अस्सलामुअलैकुम प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों की? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है पहनने के लिए, मेहरून कलर का ड्रेस है। ये फ्रॉक है, आगे से शॉर्ट है और पीछे से लॉन्ग है। और ये वाला ड्रेस ना मेरे ससुराल की तरफ से आया था, तो बस वही पहनने लगी हूँ। और इसने मुझसे ना पूछिएगा ड्रेस मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वो लेकर आए थे। बड़ा फैंसी शैंसी टाइप का ड्रेस है, अभी आपको ना साफ पता नहीं चल रहा होगा, जब मैं पहन के दिखाऊंगी ना फिर आपको पता चलेगा। और मैं जिंदगी में ना पहली दफ़ा ये मेहरून कलर पहन रही हूँ, वरना मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी ये कलर नहीं पहने। मेरी फुप्पो ही पहली दफ़ा मेरे लिए कलर लेकर आई है, तो अब मैं वही पहनने लगी हूँ। बस ये इसके साथ प्लेन सा दुपट्टा और खुले पंच वाले इसका ट्राउजर, और साथ में ये वाला जो सामान है ना मेरी छोटी वाली नंद का पड़ा हुआ है, क्योंकि वो भी मेरे साथ तैयार हो रही है। ये उसका फुल ड्रेस, मैं कहा चलो अपने ड्रेस के साथ में आपको उसका भी ड्रेस दिखा देती हूँ। छोटी वाली नंद ना मैरिड है, तो आपको पता है जो लोग मैरिड होते हैं ना फुल काम शाम फैंसी टाइप वाले कपड़े पहनते होते हैं। और हाँ, कल मुझसे कोई पूछा था, मैंने जो मेहंदी व्लॉग अपलोड किया था, कि आप ही आपने जो नेल पेंट लगाया हुआ इसका नंबर बता दे। अच्छे पीच टाइप का ना शेड है और ये बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना ये लगा हुआ। बस बदकिस्मती से मेरे नाखून छोटे हैं, क्योंकि मैं बड़े नहीं करती अपने नेल्स, क्योंकि जो है काम करना होता मुझे किचन में ना, तो मुझे अच्छे नहीं लगते बड़े नेल्स इस वजह से। तो मैं आपको ये शेड बता देती हूँ, मेडोरा का शेड है, 469 नंबर है। पता नहीं क्या मौत पड़ गई थी, मेरे मोबाइल को फोकस ही नहीं कर रहा था। 469 नंबर है मेडोरा को, जिनके नेल्स बड़े होंगे ना उनके नेल्स पे बहुत प्यारी लगेगी। पहले मैं सोच रही थी नकली नेल्स लगा लेती, फिर मैंने कहा क्या इतना बखेड़ा पालने की जरूरत है, फातिमा रहने दे। और यहाँ पे मैंने ज्वेलरी निकाल ली है, चूड़ियाँ निकाल ली हैं, और साथ में मैंने इसके साथ ना ये वाली झुमकियाँ निकाली हैं। और ये सारी चीज़ें ना मेरे ससुराल की तरफ से मैचिंग ही आई थी सूट के साथ ना। हाँ, मैंने सोचा मैं गले में ना ये वाली चेन पहन लूँगी, क्योंकि आगे ना फुल शर्ट पे काम है, तो इतने ज़्यादा ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना गर्दन खाली बहुत बुरी लगती है, मैं कहती हूँ आपके नेक में ना कोई पतली सी चेन लाजमी होनी चाहिए, मुझे नहीं अच्छी लगती खाली नेक ना। और फिर मैंने दूसरे हाथ में पहनने के लिए भी ना एक गोल्डन चूड़ियाँ निकाल ली थी। और यहाँ पे जी मैं रेडी हो गई थी, ये देखें, ये देख लीजिए फुल ड्रेस, ये इस टाइप का ड्रेस है, फ्रॉक है ये लॉन्ग ना, पीछे से लंबी और आगे से शॉर्ट है। और ये देखिए एक हाथ में मैंने गोल्डन चूड़ियाँ पहनी है, साथ में वो मेरी मंगनी वाली अंगूठी है। ये वाली जो चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, मेरी छोटी वाली नंद है ना उसने मुझे लाकर दी थी। ये हाथ में पहनी हुई ना बहुत खूबसूरत लगती है, बड़े प्यारे लगते हैं आपके हाथ। और दूसरे हाथ में जो मैंने इसी सूट की जो मैचिंग चूड़ियाँ वो पहन ली है। इस टाइम इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ पहन के ना मुझे खुद को दुल्हन टाइप वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा ना चूड़ियाँ नहीं पहनती होती, लेकिन मेरे ससुराल की तरफ से आई हुई थी चीज़ें, तो इसलिए फिर मैंने सारी ही पहन ली। मैंने कहा एक दफ़ा फातिमा सब कुछ पहन ले। बस अब हम सब तैयार हो गए थे, बस अब हम घर से निकलने लगे। दो कदम के फासले पे मेरे तायबू का घर है, 6 बज रहे थे ऑलरेडी, क्योंकि अब जाना सहराबंदी भी होनी है और फिर बारात के लिए भी निकलना है ना, क्योंकि बराती है ना हम, तो सहराबंदी होगी सबसे पहले। तो बस यहाँ पे ये है जी दूल्हे मियाँ, और अब होने लगी है सहराबंदी। चाचू शादी रिफ्रेश कर ले थोड़ी सी, शादी रिफ्रेश हो जाए ना, थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है। ये मेरे अब्बू ना इनके इकलौते चाचू हैं, मेरे अब्बू और सिर्फ दो ही भाई और कोई चाचू चाची नहीं है, तो इसे फिर इनके मामू ने ना मेरे अम्मी अब्बू को भी हार पहना दिया था इकलौते चाचू की वजह से। पहले आप लोग पूछे कि ये दो कौन है, मैं खुद बता दिया कि जो मेरी ससुराल वाली साइड से हैं, ये मेरे जो मंगेतर है ना उनके ताए अब्बू के बेटे हैं ये, और ये उनकी मिसेज, इनकी मिसेज डॉक्टर है, खुद के इंजीनियर है, तो उस रिश्ते से फिर मेरे जेठ जेठानी भी लगते हैं। जब हम लोग घर से निकल गए, आगे दूल्हे की गाड़ी है, दरमियान में हमारी गाड़ी है, बस पीछे इसी तरीके से लाइन्स लगी हुई है गाड़ियों की। और इससे पहले आप पूछे कि आपने सहरा बंदी में सहरा तो बांधा नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ, एक्चुअली मेरे कज़न को ना सहरा पसंद नहीं है, तो उसने ना फुप्पो को मना कर दिया था कि मेरे लिए ना सहरा मत लेकर आना, मैं ये बस ये पगड़ी बांधूंगा, सहरे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ना बगैर सहरा बांधे बाकी रस्म कर ली थी। कहने का मकसद ये है कि सहरा बांधना ज़रूरी नहीं है, अगर आप में से भी किसी लड़के को सहरा बांधना पसंद नहीं है तो ना बांधे, बाकी रस्म कर ले ऐसी। पूरी थोड़ी इंसान ने लकीर का फकीर बनना है कि सहरा लाजमी बांधो फिर सहरा बंदी होगी, आजकल बगैर सहरा बांधे भी सहरा बंदी हो जाती है। यहाँ पे गाड़ी को हमने दोबारा रिवर्स किया, क्योंकि हम अपने ताए अब्बू को भूल गए थे। काम क्या कर रहे हैं हमारे, हम दूल्हे के अब्बू को ही भूल आए थे, हम हाल तक पहुँच गए थे और फिर हमें याद आया कि हम ताए अब्बू को तो भूल है, जब उनका फ़ोन आया तो फिर
बारात वहीं पे रोक दी, तो फिर हम लोगों ने टर्न की और फिर अब हम तायाबू को लेकर ना वापस जा रहे हैं। तायाबू मेहमानों को घर से निकालने के उसमें ना बिटकार में बिठाने के चक्कर में खुद ही रह गए थे घर में। कोई नहीं, शादियों के फंक्शन पर ना ऐसी ऐसी बातें होती रहती है। इस वीडियो के चक्कर में मुझे लगता है जिसको नहीं भी पता होगा ना कि तायाबू घर रह गए थे, लेकिन जो आज रिलेटिव से मेरा ब्लॉग देखेगा उसको ज़रूर पता चल जाएगा ये वाली बात। आज का व्लॉग ना मैंने ज़्यादा लाइव रखा, मैंने इसमें ना वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं की, मैंने कहा आप लोग ना लाइव मोमेंट्स इन्जॉय करें, क्योंकि बारात में यही ढोल बाजा बैंड बाजा वालों की आवाज़ ना सुनी तो फिर बारात का फंक्शन इन्जॉय नहीं किया ना, क्योंकि बारात में ज़्यादातर यही होता है। वो कहते हैं ना जो बैंड बाजा है ना ये आपको बारात के आने का ना इशारा देता है कि हम आ गए और आज हमारे इस्तकबाल कर लो। अगर बाराती अपने साथ बैंड बाजा ना लेकर आए ना तो बारात के आने का पता नहीं चलता, फीकी बारात लगती पता ही नहीं चलता कि बाराती आ गए हैं। कंबाइन फंक्शन था, जेंट्स मेल्स कह रही हूँ क्या बोल रही हूँ मैं, जेंट्स फीमेल्स ना साथ थी और यहाँ पे जो है बस हम हॉल में आ गए थे और बारात में बस ये होता है बस अंदर आ गए, अब क्या करना है, बस रोटी छोटी खाएंगे और क्या, घर चले जाएंगे और क्या करेंगे। और यहाँ पे जी मैं और मेरी बड़ी वाली नंदा, हम दोनों आपको ना अपने ड्रेस की शोखियाँ दिखा रहे हैं, चले आप हमारा ड्रेस देख लें, लेकिन शीशा जो है बड़ा गंदा है, गंदा सा ड्रेस लग रहा है, शीशा ही साफ़ कर लेते, इतना अच्छा हॉल है और शीशा नहीं साफ़ कर रखा इन लोगों ने, इसलिए हमने कहा चले हम और पास आ जाते हैं और आपको पास आके अपना ड्रेस दिखा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टर में हमें सूप सर्व किया था, सूप पी के मज़ा तो बड़ा आया क्योंकि गले की टकोर हो गई, लेकिन लिपस्टिक है ना वो चारों साइड पर फैल गई थी। ये एक डिसएडवांटेज था शादियों पे सूप पीने का, आपकी लिपस्टिक जो है ना वो फैल जाती है। और यहाँ पे जी ब्राइट की एंट्री हो गई थी, दुल्हन जो है वो आ गई थी। यहाँ पे जी रोटी जो है ना वो खुल गई थी। मुझे लगता है शादियों पे ना मोस्टली आम सिर्फ खाना खाने के लिए आती है, चाहे आपके कज़न की शादी हो चाहे किसी की भी शादी हो ना, खाना सबकी प्रायोरिटी नंबर वन होता है। मेरे ख्याल से सिर्फ एक इंसान की अपनी शादी होती है जिसमें उसे खाना खाने की ना फिक्र नहीं होती, होश नहीं होता कि उसने खाना खाना, बाकी हर शादी पर चले जाओ चाहे कितने करीबी कज़न की शादी पर चले जाओ या गैर की शादी पर चले जाओ, जब भी रोटी खुलती है ना इंसान सबसे पहले रोटी की तरफ भागता है सारी चीज़ें छोड़ के। मैंने तो रिलेटिव बताई, अब आप लोग चाहे तो मेरे साथ एग्री कर लीजिएगा चाहे डिसएग्री कर लीजिएगा, एग्री करें ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर डिसएग्री करें ना डिसलाइक मत करिएगा, फिर भी वीडियो को लाइक ही करिएगा। यहाँ पे हमने कहा हम एक ही प्लेट में ना सारी कश्मीरी चाय एक ही दफ़ा बना के ना अपनी टेबल पर ले जाते हैं, तो फिर जिसने पीनी होगी ना उसे दे देंगे, बार बार कौन आए वो लेकर जाए, इसे हमने इकट्ठी बना ली थी एक ही प्लेट में रख कर ले गए थे। और इस कश्मीरी चाय को इस खूबसूरत व्यू के साथ इस वक्त मैं इंजॉय कर रही हूँ। एंड प्लीज़ से माशाल्लाह इस कपल को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला इनके आने वाली ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दें, आमीन। और जिस जिस लड़की की अब शादी हो रही है ना अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दें और अल्लाह पाक आप सबके नसीब अच्छे करें, आमीन। बस मुझे दुल्हन का ड्रेस ना अच्छा लगा था, पिंक कलर में था, मेहरून कलर नहीं
था, और यहाँ पे जो दूध पिलाई हो रही थी इन्होंने 50 केसेस स्टार्ट किया था, और फिर तारा बोले ना 20,000 दिए थे दूध पिलाई में। बस जी अब रुखसती हो रही थी, और ये सबसे ना इमोशनल मोमेंट होता है, एक लड़की की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन भी होता है उसकी शादी का, जिसमें वो चाहती है सबसे खूबसूरत लगे, और एक इमोशनल भी होता है कि इंसान एक छोड़कर जा रहा होता है अपना घर, एक नई जिंदगी तरफ पहला कदम रख रहा होता है। माएँ जो होती है वो ज़्यादा रो रही होती हैं बाप की निस्बत ना, क्योंकि बाप इतना ज़्यादा घर में नहीं होते ना, लेकिन माओं की ज़्यादा अटैचमेंट होती है बेटियों के साथ ना, उन्हें ज़्यादा होता है कि पता नहीं आगे आने वाली लाइफ कैसी होगी, कैसे रहेगी हमारी बेटी, माएँ ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। बस यहाँ पर हमारी ना कुछ ट्रेडिशनल रस्में हो रही थी, जो लड़की को जब लेकर आते हैं तो तब करते, वैसे तो ना खीर से की जाती है, खीर रखी जाती है हाथ दुल्हन के हाथ में ना, और वो उतारी जाती है, लेकिन इस वक्त खीर अवेलेबल नहीं थी, ताई माँ ने नहीं बनाई थी, तो फिर रसगुल्ले के जरिए कर रहे थे, दुल्हन के हाथ पे रसगुल्ला रख रहे हैं, दूल्हा उठा के प्लेट में रख रहे हैं, 7 दफा इस प्रोसेस को किया जाएगा, फिर रिवर्स करेंगे, फिर दूल्हे के हाथ में रखेंगे, दुल्हन उतारेगी। बेसिकली इस रस्म का पर्पस ये है कि अगर कोई भी कभी भी रिश्ते में तलखी हो जाए ना, तो रिश्तों में मिठास देने के लिए कि भाई अगर उसके पास तलखी है तो वो मिठास देगा, अगर उसके पास तलखी है तो वो मिठास देगी, और 7 दफा इसलिए क्या है, 7 जन्म साथ रहे हमेशा। बेसिकली तो हम ये वाली रस्म ना खीर के जरिए करते हैं, खीर दुल्हन के हाथ में रखी जाती है और उतारी जाती है, लेकिन वो मैंने बताया ना अवेलेबल नहीं थी, और बस इसके साथ जो है ना शुकराना रखा हुआ, ये जो हमारी फैमिली का ट्रेडिशनल है कि जब भी दुल्हन आती है ना तो शुकराना लाजमी होता है, बनाया जाता है। तो बस अब जैसी रस्म कम्प्लीट होगी ना, तो फिर सारे इस कराने के जरिए ना अपना जो मुंह है वो मीठा करेंगे, और बस यहीं पे जो है ना ये बारात का व्लॉग एंड हो जाता है। हाँ जी बस शो मुक गया है, और अब बस मैंने भी घर जाना है, घर जाकर सो जाना है, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बज रहा है इस वक्त, और बहुत थकावट हुई है इस वक्त, बहुत ज़ोरों से नींद आई हुई है, और अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए जी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है ना लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और उठ के पानी पी लीजिएगा, पानी पीना भूल गए तो। बस चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।